हेलो एवरीवन वेलकम टू आर चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग दिस इज श्रुति के शवानी सो आज आप देख सकते हो कि आज प्रैक्टिकल क्लास है आज मैं नोट पैड का फुल ऑन प्रैक्टिकल बताऊंगी आप लोगों के लिए तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए सभी लोगों को शेयर करिए और जल्दी जल्दी से बुलाइए कि आज कंप्यूटर का प्रैक्टिकल क्लास है और सबको प्रैक्टिकल आज मैं बताऊंगी तो आज फ्राइडे है तो फ्राइडे को हम प्रैक्टिकल क्लास है तो मैंने जैसे टाइम टेबल में भी बताया है कि मंडे और वेनसडे आपकी थ्योरी क्लासेस चलेगी कंप्यूटर की और फ्राइडे को आपकी प्रैक्टिकल एक प्रैक्टिकल क्लास रहेगी ठीक और नेक्स्ट फ्राइडे को मैं आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइज लेकर आऊंगी वो आगे की क्लासेस में जरूर मैं आपको बताऊंगी की नेक्स्ट फ्राइडे को क्या आ रहा है ठीक है तो आज की क्लास में फुल ऑन प्रैक्टिकल है तो जल्दी जल्दी पहले क्लास शेयर कर लीजिए और फिर स्टार्ट करते हैं आज की प्रैक्टिकल क्लास ठीक है और हाँ किसी को भी अगर कंप्यूटर का कोई भी कोर्स अगर वो हमारे ऐप से ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड करें दी ऑनलाइन कोचिंग का को ऑफिशियल ऐप टीओसी लर्निंग ऐप गूगल प्ले से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है आप जाकर वहां से कोड श्रुति ट्वेंटी कोड अप्लाई करिएगा और कोई भी कोर्स कंप्यूटर के कोई भी कोर्स में आपको ट्वेंटी परसेंट ऑफ मिलेगा ठीक है अगर आप ट्रिपल सी करना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं जो बच्चे ट्रिपल सी पेड कोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं और वहां के फ्री नोट्स फ्री टेस्ट फ्री क्यूज़ का एडवांटेज उठाना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन

कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं ठीक और किसी को भी ज्वाइन करना अगर कोई सिक्स मंथ का कोर्स डीसी वगैरह लेने चाहता है सीसीओएल लेना चाहता है तो वो भी ले सकते हैं उसके अलावा किसी को एडीसीए का कोर्स लेना है तो वो भी ले सकते हैं तो आज ही डाउनलोड करें दी ऑनलाइन कोचिंग का ऑफिशियल और कोई भी पेड ज्वाइन करें उसमें आपको फ्री नोट्स मिल, मिल जाएगी क्विज मिल जाएगा आप टेस्ट पेपर भी अटेंड कर सकते हैं और बहुत सारे एडवांटेज आपको पेड कोर्सेज में मिलेंगे तो आप अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं तो चलिए आज की क्लास फिर हम प्रैक्टिकल जो हमारी क्लास है उसे फिर स्टार्ट करते हैं ठीक है तो प्रैक्टिकल में आज मैं नोट के बारे में बताऊंगी नोट के विंडो विंडो के बारे में बताऊंगी तो जो लास्ट मेरी प्रैक्टिकल क्लास थी वॉट इज डेस्कटॉप तो मैंने आपको बताया था कि डेस्कटॉप में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है ठीक है किस तरीके से डेस्कटॉप हम यूज करते हैं उसमें कैसे आइकन्स होते हैं टाजवार होते हैं तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बाई प्रैक्टिकली बताई थी ठीक तो आज भी मैं ऐसे ही आपको नोट के बारे में बताऊंगी नोट पैड विंडो में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है वो बताऊंगी कितने नंबर ऑफ टैब्स उसमें मौजूद होते हैं वो बताऊंगी लेटेस्ट में और किस तरीके से यूज किया जाता है नोट पैड क्या यूज है नोट पैड का हमारे कंप्यूटर uh, सिस्टम में हमें uh, हमारे लाइफ में क्या हम नोट पैड का यूज कर सकते हैं और कैसे उसका एडवांटेज उठा सकते हैं वो सारी चीजें आज की क्लास में हम जानेंगे तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं व्हाट इज नोट पैड इन प्रैक्टिस प्रैक्टिकल क्लासेस में ठीक है तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं तो आ जाते हैं सबसे पहले डेस्कटॉप विंडो में आप देख सकते हो डेस्कटॉप सर्च करना बता दे रही हूँ आप विंडो की आपका एक बटन होता है विंडो प्ले, तो आपके पास ये रन का बॉक्स ओपन हो जाएगा यहाँ पे आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है नोट पैड का कोई ऐसा कोड नहीं है जो आपको ना आता हो सिंपल आप विदाउट एनी स्पेस सिर्फ लिखिए नोट पैड एंड O -T -E -P -A -D. बिना कोई स्पेस के बस नोट पैड लिख दीजिए और इंटर कर दीजिए आपके सामने नोट पैड विंडो ओपन होकर आ जाएगी तो नोट पैड विंडो जो है वो बहुत ही सिंपल है इसमें ज्यादा कंटेंट कुछ नहीं होते जो आपको ना समझ में आए बहुत इजी है ठीक है और इसको टेक्सट एडिटर भी कहा जाता है आ, कहा जाता है और ये सिंपल बहुत ही, ही सिंपल होता है तो सबसे पहले अगर इस विंडो की बात की जाए तो मैं इसको थोड़ा सा पहले मैक्सि कर ले

की बात करें जस्ट इस टाइटल बार के बिलो आपको वन टू थ्री फोर फाइव मेन्यू बार मिलेंगे क्या मिलेंगे इन्हें हम मेन्यू बार बोलते हैं याद रखेगा इसे हम मेन्यू बार के नेम से जानते हैं और कितने मेन्यू बार है अगर आपसे क्वेश्चन आए ट्रिपल सी में कि कितने नंबर ऑफ मेन्यू बार होते हैं आपके नोट पे तो आप सिंपली बताना वन टू थ्री फोर फाइव और अगर हो सकता है नेम भी पूछ ले कि कौन फाइल क्या फाइल मेन्यू बार नोट पैड में होता है तो हाँ होता है एडिट होता है होता है फॉर्मेट होता है होता है वी होता है होता है हेल्प होता है होता तो तो है तो फाइव मेन्यू बार होते हैं फाइल एडिट फॉर्मेट व्यू हेल्प याद रखेगा नेम फिर चलिए अब बात करते हैं ये जो आपको एरिया मिल रहा है जहाँ पे हम एक्चुअल वर्किंग करते हैं जहां पे हम कुछ भी लिखते हैं एक्चुअल में वर्किंग करते हैं नोटपैड की उसे हम वर्क एरिया के नेम से बोलते हैं क्या बोलते हैं वर्क एरिया तो मैं नाम ही लिख दे रही हूं वर्क एरिया के नेम से बोलते हैं ठीक तो याद रखेगा और मैं इसको सिंपली सेलेक्ट करके वर्क एरिया के नेम से बोलते हैं ठीक चलिए फिर आगे बढ़ते हैं फिर यहाँ पे आप जो देख रहे हो आपको विंडो में यहाँ पे स्क्रॉल बार दिखेगा ठीक तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है अभी ये हाइड आपको दे रहा है स्टेटस बार है जूम है यहाँ पे व्यू पे आपको दिखेगा ये स्क्रॉल बार होता है और नीचे आपको स्टेटस बार है जो आपको साइज बता रहा है बाय डिफॉल्ट हंड्रेड परसेंट इसकी साइज है Uh, तो ये सारी चीजें आपको इन्फॉर्मेशन बताएगा तो चलिए वन बाय वन एक एक कमांड के बारे में जानते हैं तो जैसे फाइल में आपको कौन कौन से कमांड मिलेगा और देखिए सबका शॉर्टकट की भी दे रहा है याद रखिएगा क्योंकि आपसे ट्रिपल सी से, से uh, में रिलेटेड नोट पैड से काफी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है उसके अंदर जो कमांड है फाइल के अंदर जो आप मेन्यू बार के अंदर जो कमांड है उससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन भी पूछ सकता है तो सबसे पहले अगर आपको न्यू फाइल लेनी है तो यहाँ पे देखिए न्यू फाइल आ जाएगी तो अगर आपको कोई भी न्यू फाइल लेनी है तो आप न्यू फाइल भी ले सकते हो ठीक अगर आपको न्यू फाइल लेनी है फाइल में जाइएगा तो वहाँ से आप न्यू फाइल भी ले सकते हो न्यू फाइल लेनी है, और इसका शॉर्टकट की भी दिया है कंट्रोल प्लस एन अगर आपको कोई भी न्यू फाइल लेनी है तो आप यहां से ले सकते हो कंट्रोल प्लस एन फिर है न्यू विंडो अगर आपको न्यू विंडो चाहिए तो आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन का भी यूज कर सकते हैं कोई भी जो फाइल आपने एग्जिट कर रखा है उसे ओपन करना चाहते हैं तो आप ओपन भी कर सकते हैं फिर नेक्स्ट आते हैं फाइल को सेव करना है सेव एज करना है और उस तो भी आप यूज कर सकते हो सेव और सेव एज और हाँ शॉर्टकट की भी आप देख सकते हो अगर आप फर्स्ट टाइम सेव करोगे तो ऑटोमेटिक वो सेव एज आएगा और हाँ शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एस यहाँ पे आप देख सकते हो कंट्रोल प्लस एस और सेव एस का कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस हाँ अगर आप फर्स्ट टाइम फाइल को सेव कर रहे हो तो ऑटोमेटिक सेव एस करोगे तब भी वो आपका कंट्रोल प्लस एस करोगे तो तब भी आपका सेव uh, एस का ही डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा फिर पेज का सेटअप है पेज का सेटअप आपको चाहिए अगर आपको लेटर के फॉर्म में चाहिए ए साइज में चाहिए आपको जिस तरीके से पेज को सेट करना है आप इजिली यहाँ कर सकते हो पोर्ट्रेट में है बाय डिफॉल्ट याद रखिएगा ओरिएंटेशन इसका पोर्ट्रेट में ही रहेगा इन केस अगर आपको लैंडस्केप में चाहिए तो आप देख सकते हो जैसे जैसे मैं यहाँ कर रही हूँ यहाँ पे प्रीव्यू इसका चेंज होता जा रहा है अगर बाय डिफॉल्ट अगर पूछे कि नोट पैड में बाय डिफॉल्ट पेज का ओरिएंटेशन क्या होता है पोर्ट्रेट की लैंडस्केप तो आप बताएंगे कि पोर्ट्रेट होता है तो बाय डिफॉल्ट ये होता है मार्जिन क्या है ट्वेंटी ट्वेंटी सब में दी है और लेफ्ट और राइट ट्वेंटी दी है और टॉप में ट्वेंटी फाइव दी है अगर आपको उसको बढ़ाना है घटाना है तो आप इजीली दे सकते हो तो ये आपकी मार्जिन हो गई है फिर चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं ये आपकी मार्जिन हो गई और अगर मैंने इसको साइज ए फोर कर दिया है और पोर्ट्रेट कर दिया और मैं ओके okay कर दे रही हूँ तो ये जो आपकी पेज की साइज है वो आपकी पोर्ट्रेट uh, हो जाएगी फिर अगर आपको प्रिंट कराना है आपने जो भी डॉक्यूमेंट बनाया है उसे प्रिंट कराना है तो आप सिंपली कंट्रोल प्लस पी भी कर सकते हो प्रिंट करा सकते हो अपने जो बनाया है डॉक्यूमेंट को आपने जो भी नोट पैड में बना के रखा है डॉक्यूमेंट जैसे सिंपल सा इंट्रोडक्शन मैं अभी आपको इंट्रोडक्शन एक बना के भी दिखाऊंगी तो इंट्रोडक्शन अगर आप बना रहे हो सिंपली तो आप इंट्रोडक्शन भी बनाकर और उसे प्रिंट करा सकते हो फिर अगर फाइल को एग्जिट करना चाहते हो तो एग्जिट भी कर सकते हो तो ये मैंने एग्जिट बटन दबा दिया था तो एग्जिट हो गया कमांड तो फिर चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं एडिट की मैं पहले पूरा कमांड आपको बता दे रही हूँ कौन कौन से यूज होते हैं देन मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बनाऊंगी अंडो अगर आपको करना है तो कंट्रोल प्लस जेड कट करना है कंट्रोल प्लस एक्स कॉपी करना है कोई भी टेक्स्ट को कंट्रोल प्लस सी पेस्ट करना है कंट्रोल प्लस वी और डिलीट करना है तो कंट्रोल डेल सर्च एंड बीइंग करना है तो आप कंट्रोल प्लस ई का यूज कर सकते हो फाइंड करना है कंट्रोल प्लस एफ फाइंड नेक्स्ट करना है एफ थ्री फाइन रिव्यू करना है शिफ्ट प्लस एस कोई भी टेक्स को रिप्लेस करना है गो टू में करना है सेलेक्ट ऑल करना है जैसे मैंने कोई भी टेक्स लिख दिया है अब मैं चाहती हूँ वैसे तो आपको पता है कंट्रोल प्लस ए से भी सेलेक्ट होता है अगर आपको यहाँ से ही सेलेक्ट करना है तो आप एडिट में जाके सेलेक्ट ऑल कर सकते हो डेट एंड टाइम चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पे शो करने लगेगा तो इस तरीके से आप कमांड का यूज कर सकते हो याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि सेलेक्ट ऑल अगर हमें कोई भी टेक्स्ट को करना है तो कौन से मेन्यू बार में वो कमांड आपको मिलेगा तो वो आपको एडिट में मिलेगा याद रखिएगा अगर कोई टेक्स्ट को फाइंड करना है रिप्लेस करना है तो कौन से मेन्यू बार में मिलेगा नोट पैड में तो वो एडिट कमांड में ही मिलेगा तो ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेगी और अच्छे से आप एक कॉपी में इसको लिखते जाइए कि कौन कौन से कमांड है स्पेशली ट्रिपल सी वाले तो अच्छे से लिख ले क्योंकि उनके एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं फॉर्मेट में रैप वर्ड रैप होता है अगर आपको कोई भी वर्ड को रैप करना है तो वर्ड रैप का यूज कर सकते हैं फॉन्ट में फॉन्ट में आपको इतने सारे कंटेंट मिल जाएंगे अगर आपको कोई भी फॉन्ट चाहिए तो जैसे मैंने ये वाला फॉन्ट ले लिया ठीक कोई भी अगर आपको फॉन्ट चाहिए तो आप फॉन्ट ले सकते हो कॉपर का मैंने लिया था तो कॉपर है फिर फॉन्ट स्टाइल है बोल्ड करना है टैलिक करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो फॉन्ट की साइज बढ़ाना चाहते हो तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हो तो ये सारी चीजें आप फॉर्मेट में कर ले सकते हो फॉर्मेट में आपको दो कमांड मिलेंगे वर्ड रैप और फॉन्ट तो याद रखिएगा ये दो कमांड्स आपके फॉर्मेट में होते हैं फिर व्यू में बात करते हैं व्यू में अगर आपको कोई भी पेज को या साइज को जूम इन करना है तो आप जूम इन कर सकते हो और उसका जूम इन करने का शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस और कन, जूम आउट करने का है कंट्रोल माइनस और रिस्टोर डिफॉल्ट जूम करना है तो कंट्रोल प्लस जीरो का यूज कर सकते हैं फिर स्टेटस बार अगर आप शो करना जैसे ही मैंने स्टेटस बार को वहां पे अनमार्क किया है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आप देख सकते हो टास्क बार के ऊपर आपको स्टेटस बार शो कर रहा था वो ऑटोमेटिक चला गया अब नहीं शो कर रहा है तो मैंने जैसे ही व्यू में जाके स्टेटस बार को मार्क कर दिया है तो वो यहाँ शो करने लगा है तो अगर आप भी चाहते हो कि स्टेटस बार आपके स्क्रीन में शो करे तो आप लगा सकते हो नहीं कर रहे हैं तो आप नहीं लगा सकते हो हेल्प चाहिए कोई तो व्यू हेल्प सेंड फीडबैक और अबाउट नोटपैड आपको नोटपैड uh, के बारे में भी कुछ जानना है तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा तो ये सारे कमांड से जो मैंने आपको बता दिए अब मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन या बायोडाटा आप कुछ भी बना लीजिए तो मैं सिंपली यहां बायोडाटा लिख दे रही हूं या इंट्रोडक्शन आपको लिखना है तो आप इंट्रोडक्शन बना सकते हो तो अब मैं इसको सेलेक्ट करके देखिए क्या क्या चीजें मैं इसमें कर सकती हूँ तो सबसे पहले कोई भी वर्ड आप लिखिए बायोडाटा लिखिए इंट्रोडक्शन लिखिए जो भी आपको क्रिएट करना है तो सबसे पहले उसे सेलेक्ट कर लीजिए सेलेक्ट करने के बाद ही उसमें कुछ भी एडिटिंग होगी ठीक है अंडो करना है आप अंडो कर सकते हो ठीक रीडो करना है रीडो कर सकते हो तो मैंने अंडो कर दिया था ये देखिए अगर आपको अंडो करना है तो फिर मैं सिंपली इसकी फ़ोन साइज को थोड़ा सा बढ़ाना चाहूँगी जैसे मैंने थर्टी सिक्स कर दिया और मैं इसको बोल्ड कर दे रही हूँ और ओके okay कर दे रही हूँ तो ये देखिए मिडिल में भी आ गया और ये बोल्ड हो गया है तो मैंने इस तरीके से इसकी एडिटिंग कर ली है और अब मैं अगर इसके नीचे अंडरलाइन देना चाहती हूँ तो वो भी मैं फॉन्ट में यहाँ पे देख लो देख लें कि अंडरलाइन को ऑप्शन दे रहा है कि नहीं अगर आपको ऐसे अंडरलाइन देना है तो कंट्रोल प्लस यू का यूज भी आप कर सकते हो फिर चलिए फिर आगे बढ़ते डिलीट करना है आपको फाइन करना है अभी तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं है तो मैं क्या आ, क्या इसमें करूँगी डेट एंड टाइम लगाना है तो वो भी आप इजिली कर सकते हो फिर चलिए फिर नीचे आते हैं फिर जैसे हमें बायोडाटा बना रहे हैं तो हमें लिखना है नेम वगैरह तो एन ए एम ई नेम आप लोग जो भी चाहे बना सकते हो फादर्स आप लोग को भी जो भी जैसे बनाना है आप बना सकते हो मैं आपको सिंपल सा इंट्रोडक्शन है या फिर आपका बायोडाटा है वो बनाना बता रही हूँ फिर आपका हो गया हॉबीज नेक्स्ट आपका हो गया एड्रेस मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ फिर उसके अलावा आप जो भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो फिर उसके मैंने इसको सिंपली सिलेक्ट कर लिया अब मैं इसकी फ़ॉन्ट साइज थोड़ी सी कम कर दूंगी क्योंकि ये हेडिंग से थोड़ी सी तो कम होनी चाहिए तो मैं इसको कर दे रही हूँ सिंपली फो थर्टी सिक्स तो मैंने इसको सॉरी ट्वेंटी सिक्स कर दिया है ठीक तो मैं इस तरीके से इसको चेंज कर ली हूँ सिंपली मैंने सेलेक्ट किया है या कंट्रोल प्लस ए से आप होल सेलेक्ट कर सकते हो अब इसे अगर आपको इटैलिक देना है रेगुलर uh, देना है तो आप इजिली दे सकते हो तो मैं इसको रेगुलर कर ले रही हूँ स्क्रिप्ट आपको देनी है तो यहाँ पे भी आप कर सकते हो तो आप जैसे देना चाहो यहाँ से सिंपली सेलेक्ट करके आप इसे दे सकते हो फिर कुछ भी एडिट करना है आपको रिप्लेस करना है किसी भी नेम को फाइंड करना है सेलेक्ट कॉल करना है आप यहाँ से सारी चीज़ें कर सकते हो कट करना है मैंने कट कर दिया ठीक अब सिंपली मैंने यहाँ पे पेस्ट लिखा है तो पेस्ट कर दिया ठीक तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो फाइल को सेव करना है सेव कर सकते हो तो जो भी नेम से आपको सेव करना है सेव और हाँ अगर इसका एक्सटेंशन आपसे पूछे तो याद रखिएगा एक्सटें नोट पैड का एक्सटेंशन जो आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो डॉट टी एक्स टी आपके फाइल का एक्सटेंशन है याद रखेगा नोट पैड का जो एक्सटेंशन है डॉट टी एक्स टी फाइल एक्सटेंशन है याद रखेगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्योंकि टेक्स लिखा है क्या है ये टेक्स डॉक्यूमेंट है आपका नोट पैड टेक्स डॉक्यूमेंट है याद रखेगा जिसमें आप आपका जो फाइल एक्सटेंशन है डॉट टी एक्स टी फाइल एक्सटेंशन है तो अगर आपको सेव करना है तो आप सेव कर सकते हैं तो चलिए आई थिंक आपको नोट पैड अच्छे से समझ में आ गया होगा आज की क्लास इतनी ही थी सिंपल सा नोट पैड विंडो था जिसके बारे में मुझे बताना था वो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा तो आई थिंक आपको नोट पैड विंडो अच्छे से समझ में आ गया होगा बहुत ही सिंपल है इसके कमांड और हाँ जो भी स्टूडेंट ट्रिपल सीखे हैं वो जरूर से नोट्स लेके बैठे रहे उन वो जो जो पॉइंट मैं बता रही हूँ उसको लिखते रहे कौन सा मेन्यू बार नोट पैड में होता है वो सारी का नियम लिखे कौन से मेन्यू बार में कौन कौन से कमांड मौजूद होते हैं उनका क्या, क्या क्या यूज है वो सारी चीजें लिख ले क्योंकि क्वेश्चन कहीं भी से भी आ सकता है आपके ट्रिपल सी में और हाँ अगर नोट पैड का फाइल एक्सटेंशन आपसे पूछा जाए तो याद रखेगा डॉट टी एक्स टी नोट पैड का फाइल एक्सटेंशन होता है तो ये सारी चीजें अच्छे से याद रख लीजिएगा और आज की क्लास प्रैक्टिकल क्लास इतनी ही थी नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक है आपका मंडे को वो क्लास रहेगी थ्योरी आउटपुट डिवाइस की तो लास्ट थ्योरी क्लास में यानी वैनसडे को आपने इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा है अब मंडे को जो आपकी क्लास रहेगी वो आउटपुट डिवाइस की होगी तो आराम से उसमें भी एक बजे ज्वाइन हो जाइएगा एक बजे ही आपकी पूरी की पूरी थ्योरी क्लास होगी और आउटपुट डिवाइस के बारे में उसमें बताया जाएगा इनपुट पूरा कंप्लीट हो चुका है तो एक बजे मंडे को भी ज्वाइन होना बिल्कुल भी ना भूलें और कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर करके पूछ सकते हैं कमेंट करिएगा और सिंपल सा नोट के बारे में आज मैंने बताया है और उसे अच्छे से सीखिएगा और और आई थिंक मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है पेड कोर्सेज के बारे में बता दी है क्लास जो नेक्स्ट होने वाली है थियोरी उसके बारे में भी बता दिया है तो ज्वाइन होना बिल्कुल भी ना भूलें तो आज की क्लास इतनी ही है थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरी वन बाय